हमारी धरती कई तरह के जीव जंतुओं से भरी पड़ी है। कुछ जीव अपने क्यूटनेस की वजह से हमारे दिलो दिमाग पर राज करते हैं, तो कई अपने अटैकिंग नेचर से हमें डराते भी है। आज हम जिस जानवर की बात करने जा रहे हैं, वो दिखने में जितना क्यूट है उतना ही खतरनाक भी, जो अपने आकार और ताकत के मामले में जंगल के राजा शेर को भी मात देने का मादा रखता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्राउन बेयर की। ये वैसे तो सर्वाहारी होते हैं, लेकिन जब बात आती है शिकार की तो इनका कोई भी वार खाली नहीं जाता। आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्राउन बेयर की लाइफ के तमाम पहलुओं की, जैसे कि ये क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं और कैसे सर्वाइव करते हैं। आज के इस कमाल के वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। नॉर्थ अमेरिका के सबसे बड़े जमीनी शिकारियों में से एक ब्राउन बेयर का बसेरा अलास्का के घने जंगलों में है, जिन्हें नॉर्थ अमेरिका में बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। आमतौर पर ब्राउन बेयर को नॉर्थ अमेरिका में ग्रिजली बेयर के नाम से भी जाना जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ब्राउन बेयर की उत्पत्ति सबसे पहले यूरेशिया में हुई थी। आज से करीब 50,000 साल पहले घूमते हुए ये ब्राउन बेयर नॉर्थ अमेरिका में चले गए थे और वही अपना ठिकाना बना लिया था। हालांकि 19वीं शताब्दी में इन ब्राउन बेयर को कुल 86 अलग अलग प्रजातियों के रूप में विभाजित किया गया था, लेकिन अफसोस कि साल 1953 तक सिर्फ इनकी एक ही प्रजाति बच गई थी। एक समय ऐसा भी था जब ब्राउन बेयर की बहुत बड़ी आबादी यूनाइटेड स्टेट्स और मेक्सिको से लेकर सभी डेजर्ट हैबिटेट्स में फैल गई थी, लेकिन इंसानी जरूरतों को पूरा करने और आधुनिकता की अंधी दौड़ में लगातार जंगलों की कटाई ने इन्हें मानो घर से बेघर कर दिया। यही कारण है कि आज की तारीख में इनकी अधिकतर आबादी अलास्का और कोलंबिया के इलाकों तक ही सीमित होकर रह गई है। इन जीवों को मुख्य रूप से जंगलों में ही अपना बसेरा बनाना काफी पसंद है। अगर बात करें इनके साइज और वजन की, तो इनकी लंबाई लगभग 70 से 150 सेंटीमीटर तक होती है। वही एक फीमेल ब्राउन बेयर का वजन करीब 180 किलोग्राम तक होता है, जबकि एक मेल ब्राउन बेयर का वजन लगभग 680 किलोग्राम तक हो सकता है। एक ब्राउन बेयर का शरीर बहुत ही विशालकाय होता है। इसके साथ ही इनकी पीठ पर एक कुबड़ जैसा आकार बना होता है, जो दिखने में इनके शरीर को और भी हैवी बनाता है। इतने भारी भरकम शरीर के साथ हालांकि ये ब्राउन बेयर पेड़ों पर बहुत कम ही चढ़ते हैं, लेकिन ये दौड़ते हुए 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार आसानी से हासिल कर लेते हैं। इतना ही नहीं, भारी शरीर होने के बाद भी ये खुद को हमेशा एक्टिव रखने में पूरी तरह से माहिर होते हैं। ब्राउन बेयर के पंजे 2 से 4 इंच तक लंबे होते हैं, जिसका इस्तेमाल ये अपने शिकार पर अटैक करने में तो करते ही है, साथ ही ये अपने मजबूत पंजों का इस्तेमाल गुफा बनाने के लिए भी करते हैं। इतना ही नहीं, ब्राउन बेयर्स के मुंह में कुल 42 दांत होते हैं। ये स्वभाव में काफी आक्रामक होते हैं, जिसकी वजह से अक्सर ये लड़ाई करते हुए नजर आते हैं। जंगल के अंदर एक ब्राउन बेयर का जीवन काल करीब 20 से 25 साल तक का होता है, जबकि इंसानों की देखरेख में ये लगभग 47 साल तक जीवित रह सकते हैं। ब्राउन बेयर ओमनिवोरस होते हैं। हालांकि इनकी शारीरिक बनावट बहुत ही भयानक होती है, लेकिन इसके बाद भी अपने भोजन में 70% शाकाहारी फूड शामिल करते हैं। हालांकि अपनी डाइट में फ्रूट्स, सामन फिश, इंसेक्ट्स और यहाँ तक कि मैमल्स को भी शामिल कर लेते हैं। इसके साथ ही अक्सर इन जंगल के बेयर्स को डियर और मूस को भी बड़े पैमाने पर खाते हुए देखा जाता है। यही कारण है कि ब्राउन बेयर अपने सर्वाइवल के लिए किसी भी तरह की स्थिति में रहने में पूरी तरह से एक्सपर्ट होते हैं, और ये कुछ भी खाकर अपना गुजर बसर बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जब ये शिकार करने पर उतरते हैं तो बहुत ही आक्रामक रुख अपनाते हैं। अपने टारगेट को खत्म करने के लिए ये अपने 1200 PSI की बाइट फोर्स की मदद से अपने शिकार की गर्दन दबोच लेते हैं, और तब तक नहीं छोड़ते जब तक कि उसका काम तमाम नहीं हो जाता। लेकिन ये कभी कभी सिर्फ अपने पंजों के हमले से ही शिकार को मार डालने का मादा रखते हैं। आपको बताते चले कि ब्राउन बेयर के पंजे 2 से 4 इंच तक लंबे होते हैं, और इन पंजों में इतनी ताकत होती है कि ये किसी भी जानवर की रीढ़ की हड्डी को एक ही झटके में तोड़ सकते हैं। इसके अलावा जब कभी ये अपने दुश्मन से लड़ते हैं, तो उसके शरीर पर दांतों के गहरे निशान भी छोड़ते हैं, जिन्हें दूर से भी बड़े ही आसानी से देखा जा सकता है। हालांकि इनकी आईसाइट बेहद खराब होती है, लेकिन इसके बाद भी इनका अटैक इतना जोरदार होता है कि इनका वार कभी भी खाली नहीं जाता है। ऐसे में ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि ब्राउन बेयर जंगल के सबसे ताकतवर शिकारियों में से एक होते हैं। ब्राउन बेयर हर साल करीब 5 से 7 महीनों के लिए हाइबरनेशन करते हैं।
इस दौरान ही फीमेल ब्राउन बेयर अपने बच्चों को जन्म देती है। हालांकि जमीन पर पाए जाने वाले दूसरे स्तनधारी जीवों की तुलना में ब्राउन बेयर की प्रजनन दर बहुत ही कम होती है। इसके पीछे कई कारण होते हैं, जैसे कि ये ब्राउन बेयर 5 साल से पहले सेक्सुअल मैच्योरिटी हासिल नहीं कर पाते हैं। वहीं दूसरी ओर ये ब्राउन बेयर्स एक बार मेट होने के बाद अगले हाइबरनेशन का इंतजार करते हैं। ऐसे में कई बार इनका मिसकैरेज भी हो जाता है। इतना ही नहीं, फीमेल ब्राउन बेयर एक बार बच्चे को जन्म देने के बाद लगभग 2 से 3 साल तक मेट नहीं करती है। मेल ब्राउन बेयर का इलाका काफी बड़ा होता है, जिसकी वजह से कभी कभी इन्हें फीमेल ब्राउन बेयर की गंध का भी पता नहीं चल पाता है। इतना ही नहीं, ब्राउन बेयर को वातावरण के हिसाब से चलने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यही कारण है कि इनकी जनसंख्या लगातार कम होती जा रही है, और आलम ये है कि अलास्का के बाहर इनकी संख्या सिर्फ गिनती की ही बची हुई है। वही बर्फीली सर्दियों में हाइबरनेशन में जाने से पहले ब्राउन बेयर को बहुत ज्यादा मात्रा में भोजन की जरूरत पड़ती है, जिससे उनका वजन बढ़ सके, क्योंकि हाइबरनेशन के दौरान ये ब्राउन बेयर्स कुछ भी नहीं खाते हैं और इस दौरान ये अपना 1/3 वजन भी गवा देते हैं। हाइबरनेशन के बाद ये ब्राउन बेयर्स शारीरिक रूप से काफी दुबले हो जाते हैं और इसके साथ ही इनकी भूख भी चरम पर होती है। इसी कारण ये स्वभाव से गुस्सैल भी हो जाते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि इस दुनिया में जो कुछ भी होता है वो किसी न किसी मकसद से ही होता है। ठीक इसी तरह हर साल गर्मियों के मौसम में जब ये ब्राउन बेयर हाइबरनेशन से बाहर आते हैं तो हजारों लाखों की संख्या में सामन फिश नदियों के बर्फीले तट पर अपने अंडे देने के मकसद से आती है, और यही फिश इन ब्राउन बेयर्स के लिए एक लाजवाब दावत बनती है। जहां एक ओर ये सामन फिश के लिए हर साल होने वाला एक बहुत बड़ा माइग्रेशन है, तो वही दूसरी ओर ब्राउन बेयर्स के लिए कैलोरी जमा करने का एक नायाब जरिया भी है। भारी भरकम और विशालकाय शरीर होने के बाद भी ये ब्राउन बेयर्स बहुत ही फुर्तीले और एक्टिव होते हैं, जो बड़ी ही आसानी से इन सामन फिश को अपना निवाला बना लेते हैं। लेकिन ये ब्राउन बेयर्स सामन फिश को अपना शिकार बनाकर जाने अनजाने में ही सही, लेकिन हमारे इकोसिस्टम को हरा भरा भी करते हैं। ये जिन सामन फिश का शिकार करते हैं वो समुद्र में अपने अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन फॉस्फोरस कलेक्ट करती है। ब्राउन बेयर्स इन्हें अपना निवाला बनाने के बाद जंगली इलाकों में एक्सक्रीशन करते हैं, जिसमें प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिशन होता है, और ये न्यूट्रिशन पेड़ पौधों को हरा भरा करने में बहुत ही मददगार साबित होता है। ब्राउन बेयर्स बहुत ही इंटेलिजेंट और जिज्ञासु स्वभाव के होते हैं। इनकी मेमोरी इतनी ज्यादा शार्प होती है कि ये हर छोटी से छोटी बात को याद रखने में माहिर होते हैं, लेकिन अपने हैबिटेट में इंसानों को बिल्कुल भी देखना पसंद नहीं करते हैं। यही कारण है कि इनका बोलबाला अमेरिका के जंगलों में साफ तौर से देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, अमेरिका के लोगों में इनका खौफ कुछ इस कदर होता है कि ये लोग ब्राउन बेयर को दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों में से एक मानते हैं। उनका मानना है कि ब्राउन बेयर से पाला पड़ने का मतलब मौत को बुलावा देने जैसा है, क्योंकि इंसानों के प्रति इनका गुस्सा बिना किसी बात के भी होता है। इतना ही नहीं, कई बार बिना उकसाए ही ये इंसानों को अपना शिकार बनाने की कोशिश करते हैं और उन्हें घायल करके ही दम लेते हैं। ब्राउन बेयर ज्यादातर समय अकेले ही रहते हैं और इन्हें एक आजाद जीवन जीना बेहद पसंद होता है। ये केवल अपने बच्चों को बड़ा करते हुए उनकी देखभाल करते हैं और उन्हें अपने साथ रखते हैं। हालांकि नॉर्थ अमेरिका में एक और जानवर है जो ब्राउन बेयर्स का ऐतिहासिक दुश्मन है, जिसका नाम है वोल्व्स। अक्सर इन दोनों जानवरों के बीच खाने को लेकर स्ट्रगल होते देखना आम बात है। वही खुद को और अपने बच्चों की हिफाजत करते समय ब्राउन बेयर ज्यादातर आक्रामक हो जाते हैं, और ऐसे में ये खतरे को भाप कर पेड़ों पर नहीं चढ़ते बल्कि मैदान में खड़े होकर डट कर मुकाबला करते हैं। तो वही फीमेल ब्राउन बेयर्स अपने बच्चों की हिफाजत की वजह से लगभग 70% इंसानों की मौत का कारण बनती है, जिन्हें ब्राउन बेयर्स ने मारा होता है। ज्यादातर ये ब्राउन बेयर्स इंसानों को अपने आसपास देखना भी पसंद नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ये आमतौर पर उनसे दूरी बना